तो बच्चों हमने देखा रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, इसी स्टेप में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। सो प्रिज्म दिस इज इंसिडेंट रे, तो यहां पे एक रिफ्रैक्शन सफर होगा ये, फिर दूसरे सरफेस पे एक और रिफ्रैक्शन सफर होगा। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दिस फर्स्ट रिफ्रैक्शन। फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये हमारा इंसिडेंट रे और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई से रिप्रेजेंट करूंगा ये रिफ्रैक्शन को मैं R1 से, इसको मैं R2 से एंड इसको E से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। एक्चुअली अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट हैज टू ट्रेवल स्ट्रेट, लेकिन ये प्रिज्म होने की वजह से लाइट इंसिडेंट रे यहां से और इमरजेंट रे यहां से, सो दिस विल सफर ए डेविएशन ऑफ एन एंगल डेल्टा। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो वी विल डिराइव व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ एमरजेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके लिए फिर हम सिंपल ज्योमेट्री में जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होंगे, सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, तो ये हमारा बन जाएगा I-R1। दिस इज एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा, सो अगर ये R2 है ये E है तो ये वाला एंगल बन जाएगा E-R2। इसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। दिस एंगल इज I-R1, ये वाला एंगल है E-R2 एंड एंगल ऑफ डेविएशन दिस इज इक्वल टू डेल्टा। हमें पता है एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सो डेल्टा दिस इज इक्वल टू I-R1 प्लस E-R2 सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। I इसको मैं आगे लिखता हूं E-R1-R2, सो I प्लस E माइनस कॉमन ले लिया R1 प्लस R2, सो एंगल ऑफ डेविएशन ये इसके बराबर है। और हमें पता है ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है अगर हम उसको सम अप करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल इसका ये वाला एंगल है R1, दिस एंगल इज इक्वल टू R2 एंड ये वाला एंगल O है। सो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं 1 से, सो R1 प्लस R2 प्लस O एंगल दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू 180, R1 प्लस R2 दिस इज इक्वल टू 180 माइनस O, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 ये वाला क्वाड्रिलेटर लेंगे, इसके चारों एंगल के सम इक्वल टू ये वाला एंगल, दिस इज एंगल A, ये वाला दिस इज नॉर्मल तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, ये वाला नॉर्मल है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री एंड दिस इज एंगल O। सो एंगल A प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल O दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A प्लस 180, इन दोनों का सम 180 प्लस एंगल O दिस इज इक्वल टू 360। एंगल A इज इक्वल टू इन दोनों को इस साइड ले जाएंगे 360 माइनस 180 माइनस एंगल O, सो दिस इज इक्वल टू 360 माइनस 180 180 माइनस एंगल O, दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
इन दोनों, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, R1 plus R2 is equal to 180 minus angle O. Similarly, angle A is equal to 180 minus angle O. Right hand side दोनों के बराबर है, इसका मतलब left hand side भी बराबर होंगे. So angle A is equal to R1 plus R2. This is equation number 4. इन दोनों को equation को compare करने से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे. सो एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4. इस इक्वेशन नंबर 4 में आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए को हम यहां पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. सो डेल्टा दिस इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस एंगल ए. सो ए को इस साइड ले आता हूं. डेल्टा प्लस ए दिस इज इक्वल टू आई प्लस ई. सो ये हमारा बन जाएगा एक इक्वेशन. सो इक्वेशन नंबर 5. सो एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट के सम के बराबर होंगे. इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होंगे. सो इक्वेशन, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को वेरी करेंगे उस हिसाब से एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा. एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसके हिसाब से चेंज होगा. और अगर हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ डेविएशन, तो जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन कम डिक्रीज होते होते एक मिनिमम लेवल पे आएगा. उसके बाद अगर फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज होने के बजाय ये इंक्रीज होता रहेगा. तो जहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट मिनिमम है उसको हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन. सो एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम है उस केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों बराबर होंगे व्हेन डेल्टा इज मिनिमम. उस केस में ये वाला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5 चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा इक्वेशन डेल्टा मिनिमम दिस इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए. डेल्टा मिनिमम पे एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंट दोनों बराबर होगा. सो दिस इज इक्वल टू, सो डेल्टा मिनिमम दिस इज इक्वल टू 2i माइनस एंगल ए. सो डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए दिस इज इक्वल टू 2i. सो डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस एंगल ए डिवाइडेड बाय 2. डेविएशन जब मिनिमम होगा तो ये वाला एंगल दोनों भी बराबर होंगे. सो डेल्टा मिनिमम पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. सिमिलरली आर वन इज आल्सो इक्वल टू आर टू. आर टू दिस इज इक्वल टू ए. दोनों जब बराबर होगा 2R दिस इज इक्वल टू ए. सो R इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2. ये हमारा इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. व्हेन डेल्टा इज मिनिमम, डेविएशन इज मिनिमम, ये दो केस, दो इक्वेशन हमारे पास है. एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम होगा तो इंसिडेंट इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2. एंगल ऑफ डेविएशन जब मिनिमम है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल, इसके बराबर होगा ए डिवाइडेड बाय 2. व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन दैट केस इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2 वेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. सो वी नो दैट स्नेल्स लॉ स्टेट दैट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट दिस इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. सो दिस पुटिंग दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन दिस वी विल गेट साइन
a plus delta minimum divided by 2 and sine a divided by 2. Knowing the value, we can easily measure angle of prism. Angle of deviation we can easily find from this graph. And putting this value, we can easily find the relative refractive index of prism with respect to the medium one, which is air. So this is equal to sine A plus delta minimum divided by 2 and sine A divided by 2. Agar hum kisi cheez, for example, kisi liquid ka refractive index find out karna chahte hain, to hum ek prism lenge, hollow prism, usme liquid ko bharenge aur ye wala graph plot karenge. So minimum deviation nikalne ke baad, so refractive index of that liquid, this is equal to sine angle of prism delta minimum divided by 2 and sine A divided by 2. So this equation is a very important equation. Next, hum karenge refraction at spherical surfaces. Spherical surface. Spherical surface hamare paas do tarah ke hote hain. Ek concave aur dusra convex. Convex spherical surface. So this is a convex spherical surface and this is concave spherical surface. Iska refractive index mu, ye hamara paas air hai, so iska refractive index of air. So this is mu 1 and this is mu 2. Similarly, concave ke liye, this is mu 1 and this is mu 2. This is a part of the sphere jiska center C है. So ये convex surface का center C. जो convex surface होगा, spherical surface, this will be in circular in shape. ये से circular in shape होगा. तो जो इसका center है, उसे हम pole. इन दोनों को join करता हुआ line principal axis. पोल से लेके यहां तक ये यह हमारा बन जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर. इन दोनों का मिड पॉइंट ये बन जाएगा हमारा फोकस. सिमिलरली ये कंकेव स्फेरिकल सरफेस का सेंटर ये होगा, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ये सरफेस, सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस, ये हमारा फोकस बन जाएगा, ये हमारा पोल. लाइन ज्वाइनिंग, इन तीनों लाइन को ज्वाइन करता हुआ, they are known as principal axis. Principal axis. So this is convex spherical surface, jo bulge outward hoga, aur jo bulge inward hoga, ise hum kahenge concave spherical surface. Now hum discuss karenge in spherical surface ke upar refraction kaise hoga. अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता है, तो दिस विल बी द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये हमारा बन जाएगा नॉर्मल. सिमिलरली यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ लाइन, ये हमारा नॉर्मल बन जाएगा. सो इसी हिसाब से हम करेंगे पहले कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन, उसके बाद बच्चों आप लोग ये खुद करेंगे कंकेव स्फेरिकल सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन कैसे होगा. सो जब स्फेरिकल सरफेस कन्वेक्स है, तो उसमें दो केसेस हम स्टडी करेंगे. एक केस इज वो जब ऑब्जेक्ट रियर एयर मीडियम में, सेकंड केस हम वो स्टडी करेंगे जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में. सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई इन द रियर एयर मीडियम. और इमेज फॉर्मेशन दो तरह के होते हैं, एक रियल इमेज फॉर्मेशन भी होते हैं इसमें, इसमें वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन. उसके लिए हम कुछ एजम्पशन करेंगे. एजम्पशन ये है कि द ऑब्जेक्ट इमेज दे लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे आर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंट इमेज. सेकंड, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनाएगा,
या सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बनाएगा दे आर वेरी स्मॉल। थर्डली हम इसमें अज्यूम करेंगे तो एपर्चर ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल। सो फर्स्ट केस व्हेन इमेज फॉर्मेशन इज रियल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां से दो रे इंसिडेंट होगा टू द सरफेस, एक रे ये एक रे ये वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल टू द सरफेस है बिकॉज इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें कोई रिफ्रेक्शन नहीं होगा, ये सीधा पास होता हुआ निकल जाएगा। सेकेंड रे जो यहां से पॉइंट ए पे स्ट्राइक कर रहा है इट विल सफर सम रिफ्रेक्शन, तो रिफ्रेक्शन करने के बाद ये दोनों रे जहां मिलेंगे वहां पे हमें रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। लेट सपोज ये एंगल अल्फा बना रहा है तो इमेज और ये जो रिफ्रेक्टेड एंगल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहां पे जो हम नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल सबटेंड कर रहा है। अगेन इन दिस वी विल यूज सिंपल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। सो ये हमारा बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, इंसिडेंट रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। इसमें हम वही यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो फर्स्ट हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल पॉइंट ए ओ सी, ये वाला एंगल बन जाता हमारा अल्फा, दिस इज गामा एंड दिस इज, सो यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल अल्फा प्लस गामा। इसमें हमने अज्यूम किया था एंगल्स आर वेरी स्मॉल, जब एंगल व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल साइन थीटा इज इक्वल टू टेंस टू थीटा, कॉस थीटा टेंस टू जीरो एंड टेंजेंट थीटा टेंस टू थीटा। सो इसमें हम अज्यूम करेंगे एंगल थीटा जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट आई, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा एंड गामा इज इक्वल टू टेंजेंट गामा। सो वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इन ट्राइंगल में से हम अल्फा बीटा और गामा, अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू ए एन डिवाइडेड बाय ओ एन, टेंजेंट गामा इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से, सो ए एन डिवाइडेड बाय एन सी। सिमिलरली हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सो उसमें हम गामा दिस इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। सिंस एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन को हम इस तरह के आर से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज गामा भी ये सेम टू सेम रिप्रेजेंट होगा अगर हम सिंपल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, सो गामा दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल, सो गामा दिस इज इक्वल टू टेंजेंट आर प्लस टेंजेंट बीटा। इसमें से हमने एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन निकालना है, सो ये इस साइड आ जाएगा टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट बीटा दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आर, सो गामा इज इक्वल टू टेंजेंट गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला बेस, सो टेंजेंट आर दिस इज इक्वल टू टेंजेंट गामा ए एन अपॉन एन सी माइनस टेंजेंट बीटा ए एन अपॉन एन आई। सो वन व्हेन एंगल आर स्मॉल वी कैन राइट टेंजेंट आई की जगह हम आई लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू ए एन अपॉन ओ एन प्लस ए एन अपॉन एन सी, सो उसी तरह आर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी माइनस ए एन अपॉन
एन आई. सो दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर. सो दोबारा मैं लिखता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन ओ माइनस ए एन अपॉन एन सी, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी माइनस ए एन अपॉन एन आई. ये दो इक्वेशन. ये स्नेल्स लॉ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन. ये इक्वेशन दिस इज म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन साइन आई अपॉन साइन आर. When angle is very small, sin theta tends to theta. So sin I ki jaga angle of incident, sin r ki jaga angle of refraction. This is equal to mu 2 upon mu 1 cross multiplying I into mu 1. Mu 1 into I, this is equal to mu 2 into r. Angle of incident or angle of refraction from equation 1 hum yahan pe put karenge. So mu 1 into I. An upon NO minus An upon NC. This is equal to mu 2 An upon NC minus An upon NI. ब्रैकेट ओपन करने के बाद An दोनों में से कॉमन into mu 1 1 upon NO minus 1 upon NC. An कॉमन ले लेंगे An into mu 2 1 upon NC minus 1 upon NI. An और An cancel. फिर हम bracket को open करेंगे mu 1 upon NO minus mu 1 upon NC. This is equal to mu 2 upon NC minus mu 2 upon NI. इसमें हमने एक चीज और assume किया है कि aperture is very small. तो ये जो P और N के जो डिस्टेंस होगा दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी neglected. सो जहां पे N है वहां पे N की जगह हम P पुट कर सकते हैं. सो ये बन जाएगा म्यू वन अपॉन NO की जगह PO माइनस म्यू वन अपॉन NC की जगह PC. दिस इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन PC माइनस म्यू टू अपॉन PI. Mu 1 upon PO plus mu 1 upon PC, this is equal to mu 2 upon PC minus mu 2 upon PI. Using the sign convention, PO is equal to minus U and PI same direction of incident ray, so plus V, and PC this is equal to plus R. In values ko yahan put karne par mu 1 upon minus U plus mu 1 upon R, this is equal to mu 2 upon R minus mu 2 upon V. इसको इस साइड ले आओ. सो mu 2 upon V minus mu 1 upon U, this is equal to mu 2 upon R. ये साइड जाएगा तो minus mu 1 upon R. सो mu 2 upon V minus mu 1 upon U, this is equal to 1 by R common mu 2 minus mu 1. ये इक्वेशन वन बन जाएगा हमारा. सेकंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू वन बाय आर रिलेटिव म्यू टू माइनस म्यू वन. ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा. सिमिलरली आप लोग खुद ट्राई करेंगे ये वाला इमेज वर्चुअल इमेज के लिए. ऑब्जेक्ट ये रहा, ये डाइवर्जिंग रे है, तो ये हमें ऐसा लगेगा जैसे पीछे से इंटरसेक्ट होते हुए. सो यू वी एंड आर साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद आपके पास सिमिलर ऐसा ही एक और इक्वेशन आ जाएगा. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. जुले.